राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्णय लेने के लिए जो बैठक बुलाई गई थी सांसदों और विधायकों की, और उस बैठक में आम सहमति से गुरुजी को अधिकृत किया गया था, और आज गुरुजी ने निर्णय लिया भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद पर एक उम्मीदवार जो आदिवासी समाज से आता हो और उन्हें उस पद को सुशोभित करने का मौका मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। 70 सालों में पहली बार ऐसा मौका है, और उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना था। ये एक बहुत ही अहम फैसला झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए। गुरुजी जो एक संघर्षशील व्यक्ति, जिनके संघर्ष की गाथा इस देश में नहीं विदेशों में भी चर्चा की जाती है, आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर के रूप में झारखंड ही नहीं पूरे राष्ट्र में इनकी एक अलग पहचान है। एक भारत के नेल्सन मंडेला के रूप में उन्हें जाना जाता है, और जो ये निर्णय लिया गया गुरुजी की तरफ से, बहुत ही स्वागत योग्य, सही समय पर सही निर्णय। हम धन्यवाद देना चाहें अपने युवा नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को, गुरुजी को, और पार्टी के तमाम नेताओं को जिन्होंने ये फैसला लिया। और इस ये जो 70 सालों में मौका आया एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बैठाने का, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अहम योगदान दिया है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सभी हमारे नेता। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जो किया है, उस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिल दिखाया है। और ऐसे भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। वैसे में दलगत भावना से ऊपर उठकर इन्होंने जो समर्थन किया वो सच में एक बड़ा कदम है। और ऐसे भी राष्ट्रपति चुनाव जो है वो किसी दल के आधार पर नहीं होता, कोई दल व्हिप जारी नहीं करता, इसके अतिरिक्त किसी का एजेंट भी नहीं होता, तो ये चुनाव दलगत भावना से ऊपर ही उठकर चुनाव होता है। और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्णय का पुनः स्वागत है, और हम तो ये उम्मीद करते हैं, वो झारखंड में रह चुकी है राज्यपाल के रूप में, बेहतर काम था उनका, तो झारखंड के जितने सांसद और विधायक हैं वो किसी भी दल से हो वो भी बड़ा हृदय दिखाएंगे और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को समर्थन देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और आदरणीय गुरु जी ने यह निर्णय लिया है, उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है। हमें लगता है कि ये गठबंधन कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं हुआ था, ये गठबंधन राज्य को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए हुआ है। और स्वाभाविक तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इस राज्य को विकास में एक नया आयाम देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हाँ, ये जरूर था कि हम ये चाहते थे कि जो गांधी के विचार के धारा के लोग हैं वो एक मंच पे आकर के जसवंत सिन्हा जी का समर्थन करें। लेकिन ठीक है, अपना अपना निर्णय है, अपनी पार्टी है, अपना निर्णय है, इस पे कहीं कोई असर महागठबंधन पे नहीं होना है। और 16 तारीख को जसवंत सिन्हा जी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह उनके साथ है, और हम जसवंत सिन्हा जी का जोरदार तरीके से स्वागत करने का भी काम करेंगे।